उज्जैन जिले के अंदर इस समय टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है और भीषण गर्मी के अंदर पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी के अंदर ड्यूटी करते हुए शहर के युवकों ने इन पुलिसकर्मियों की परेशानी को समझा और शहर के करीब एक दर्जन से अधिक युवकों ने ठंडे पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को वितरित किए। बाजार मार्केट सब दूर सुनसान नजर आ रहा है और ड्यूटी पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं और चर्चा में इन युवकों ने की इस समय गंभीर महामारी कोरोना वायरस से जहां बड़ा हुआ प्रकोप नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं और हजारों पुलिसकर्मी इस समय ईमानदारी निष्ठा के साथ ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। भीषण गर्मी में इसलिए हम सबके मन में यह ख्याल आया कि हम भी हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की कुछ मदद करें, सो हमने पेय पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक वितरित कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लो एक मिनट। उज्जैन शहर में जहां इस समय अगर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा शहर जो है सुनसान है और साथ ही अगर बात करें शहर के प्रमुख चौराहे की अगर बात करते हैं, शहर के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां की अगर बात करते हैं, तो इस समय जो है उज्जैन जिले के अंदर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो शासकीय विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इस समय लॉकडाउन में ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो शहर के ऐसे होनहार युवक, ऐसे लोग भी जो है जिन्होंने देखा कि किस प्रकार से गर्मी के समय में जो शासकीय अधिकारी है या कर्मचारी हैं यह परेशान ना हो और इन तक कुछ जो है मदद पहुंच सके, उसको लेकर शहर के कुछ ऐसे युवा, ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से उनके मन में ख्याल आया और किस प्रकार से वह यह मदद कर रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? सर शिवांश वर्मा नाम है। सर जैसे सब पुलिसकर्मी अपनी हमारे लिए, अपनी आमजन के लिए मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि वो भी गर्मी में धूप में इतना रहते हैं तो उनके लिए कुछ ठंडा चाहिए रहता होगा उनको भी, और सब दुकानों में बंद है, सब हर जगह बंद है, तो उनके लिए भी कुछ पानी वानी की सुविधा, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक की सुविधा चाहिए रहेगी। इसके लिए हमने विचार आया मन में और हमने स्टार्ट किया। करीब कितने लड़के आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कहाँ पर रहते हैं और कितने लोग हैं आप लोग? महाकाल मार्ग है, महाकाल मेन रोड पर रहते हैं और हम चार पाँच जने हैं जो हम वितरण कर रहे हैं। ऐसे अभी हम सुबह 10 बजे से निकले और हमने कम से कम सब दूर बांट दिया, फ्रीगंज ना अपना क्या बोलते हैं नई सड़क वगैरह बहुत जगह बांट दिया। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो शहर के पढ़ाई करने वाले जो युवक हैं, जो होनहार युवा हैं, करीब 6 से ज़्यादा युवक, ये जो पानी के पाउच है, कोल्ड ड्रिंक्स है और ठंडे पेय पदार्थ, ये जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हैं साथ ही जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वितरित कर रहे हैं, चौराहे चौराहे पर जाकर कर रहे हैं और एक अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।